अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फेवर फाइनली मुझे सैलरी मेरी यूट्यूब की तरफ से मिल चुकी है। कितनी आई है और कब आई है इस वीडियो में तमाम तर डिटेल आपको देने वाला हूँ, और कौन सा बैंक लिंक करना चाहिए, कौन सा बैंक बेस्ट है जिसके कम चार्जेस होते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो अपना जो है ना बैंक लिंक कर देते हैं जो भी उनके पास वक्त ही होता है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। फर्स्टली हर कोई अपना जो मौजूदा बैंक होता है वही लिंक करता है। तो मेरी ये सैलरी है मिजान बैंक में, ये इसमें कितने टैक्स कटे हैं और कितनी ये सैलरी है, इस वीडियो के अंदर आपको तमाम तर डिटेल देने वाला हूँ। तो व्यूवर आइए चेक करते हैं सैलरी कितनी है। मैं सिंपली इसे गिनता जाऊँगा, आपने क्या करना है इसे काउंट कर लेना है, और इसके अलावा मेरे जो इसके अलावा बकाया जो मेरी पेमेंट है वो मैंने कुछ खर्च की है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कितनी मैंने खर्च की है। तो व्यूअर आइए देखते हैं कितनी मेरी इनकम यूट्यूब की तरफ से आई है। तो साथ साथ आपने काउंट कर लेना है। तो ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम है जो कि मुझे 3 दिन पहले ही मौसूल हुई है। तो व्यूअर ये थी मेरी जो है जो आपके सामने मैंने आपको चेक करवाई है, ये मेरी इनकम में से कुछ पैसे थे जो मैंने आपको लाइव वीडियो में दिखा दिए हैं। इसके अलावा मैंने जो है ना 15,000 रुपये लगा दिए हैं, तकरीबन 15,000 रुपये थे इसके अलावा मेरे अकाउंट में जो मैंने खर्च कर दिए हैं। बकाया जो पेमेंट थी वो ये इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने आपको तमाम चेक करवा दी है कितनी पेमेंट बनती है, आपने काउंट की होगी। तो व्यूवर बेस्ट बैंक होता है इस यूट्यूब की पेमेंट को रिसीव करने के लिए, बेसिकली ये रेमिटेंस होती है, रेमिटेंस की सूरत में आपके पास ये पेमेंट आती है यूट्यूब की। तो इसके लिए बेस्ट बैंक होता है भाई जो कि आप इसको इजीली आप इसको पेमेंट ले सकते हैं और टाइमली आपके पास पेमेंट पहुंच जाती है बगैर किसी लेट होने के। तो व्यूवर ये होता है एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उसमें आप पेमेंट ले सकते हैं यूट्यूब की, ठीक है। इसके अलावा बैंक है जो UBL बैंक है वो भी बेस्ट है, उसके भी कोई इजाज़त नहीं है, तकरीबन $2 से $3 कटौती होती है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड और UBL ये दो बैंक बेस्ट हैं। जो कि मिजान में मेरी ये सैलरी है, ये इसमें तकरीबन मेरे $20 से $22 कट चुके हैं, तकरीबन $22 पेमेंट बनती थी मेरी, तकरीबन 5.5 से 6.5 हज़ार तक मेरी कटौती हो चुकी है। तो मेरी ये फर्स्ट पेमेंट थी, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी इसका एक्सपीरियंस हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेमेंट के लिए मैंने भी अपना बैंक चेंज कर लिया। तो बेसिकली जो है ना जो दूसरे तमाम तर बैंक हैं सरकारी या प्राइवेट, इनके किसी का $15 कटौती होती है, किसी के तकरीबन $20 तक कटौती होती है। तो आप जो है ना बेस्ट मशवरा मेरा जो है UBL, ठीक है। अगर किसी के पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अवेलेबल है तो नहीं भी तो वो अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो आपकी तमाम तर पेमेंट आपको इजीली पहुंचा देते हैं आपके अकाउंट में बगैर किसी कटौती के। तो व्यूवर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड आप कृषि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।